हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे रियल नंबर्स चैप्टर का सेकंड पार्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिससे कि इस वाले पार्ट को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। इस पार्ट के अंदर हम लोग 3 से 4 टॉपिक्स को कवरअप करेंगे। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एन डिजिट कॉन्सेप्ट, कि किसी भी नंबर की बहुत बड़ी पावर अगर दे दी जाए तो उसका लास्ट डिजिट यानी कि एन डिजिट क्या होने वाला है। तो ये आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक गिवन है, उसको मैं पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप से इसके ऊपर पूछे हुए हैं और एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है इसको हम देखेंगे। इसके बाद में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमने लास्ट पार्ट में कवर अप किया है, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग एचसीएफ को पढ़ेंगे और एलसीएम को पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद में उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम देखने वाले हैं, और साथ में उसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम सोल्व करेंगे। और अगर फिर भी अगर टाइम बचता है तो उसके बाद में हम आगे के कुछ डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स और होते हैं उसको भी हम इसी लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है एन डिजिट ऑफ ए नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि जब कभी किसी नंबर की बहुत बड़ी पावर दे दी जाती है तो उस बड़ी पावर के केस में उसको हम अगर सोल्व करने के लिए बैठ जाएंगे तो हम कैलकुलेटर से भी उतने आसानी से सोल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें केवल उसने पूरा सॉल्यूशन यानी पूरा रिजल्ट नहीं पूछा है, उसने हमारे से वो पूछेगा लास्ट का डिजिट। तो लास्ट का डिजिट निकालना और आसान होता है, तो हम उसी का एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, उसके बाद में उसको अप्लाई करके देखते हैं कि भाई किस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर जैसे मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा नंबर लिख रखा है, उस नंबर का लास्ट में कितना वंस डिजिट कितना है 1 है, और उसकी कुछ पावर दे रखी है। पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये आगे तक के कोई से भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो सकता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके वंस डिजिट पे क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो उसकी कितनी भी पावर हो, लास्ट में आंसर में कितना ही आने वाला है हमारे, इसके एंड डिजिट पे भी 1 ही आने वाला है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, 1591 की पावर दे रखी है 2023। अब अगर हम इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे इसको इतने टाइम्स, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आने लगेगा, क्योंकि पावर जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो उस केस में बहुत बड़े बड़े आंसर्स आते हैं। तो हमें उसने पूछा ही नहीं, हमें केवल एन डिजिट पता करना है। तो नंबर का एन डिजिट कितना है 1, तो इसका रिजल्ट आने वाला उसका एन डिजिट भी कितना होगा 1 होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड वाला केस क्या हो सकता है, अगर किसी नंबर के एन डिजिट पे क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो और उसकी कुछ पावर गिवन हो, तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसके एन डिजिट पे भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप लास्ट में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके करते जाओगे लास्ट में 5 ही बनेगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये नंबर दे रखा है 785, इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसकी कितनी भी पावर हो पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर, तो इसका आंसर हमेशा लास्ट में कितना ही आएगा, 5 ही आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब अगर किसी नंबर के एंड में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अगर नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो उसकी कितनी ही पावर कर दो, उसके रिजल्ट के एंड में भी कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7470 हमारे पास एक नंबर गिवन है, इसकी 120 पावर गिवन है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट बनेगा, लेकिन हमें वो नहीं पता करना, हमें पता करना लास्ट में क्या आएगा। तो नंबर के एंड में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसके एंड में भी कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप ये तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है, देखो 3-4 टाइप के कॉन्सेप्ट इस पर पूछे जाते हैं, और फिर अगली वाली स्लाइड पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और 1-2 सवाल ऐसे करवाऊंगा जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि एग्जाम में पूछे जाए। अब देखो, अगर किसी नंबर के एंड में 6 आ रहा है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, उसकी कितनी भी पावर हो उसके एंड में भी 6 ही आएगा। जैसे कि ये 366 हमारे को गिवन है, इसकी पावर है 1, 2, 3, 4, तो इतनी बड़ी पावर को हम सोल्व नहीं करेंगे, हमें बस लास्ट में लास्ट वाला डिजिट चाहिए। तो नंबर के एंड में 6 आ रहा है तो इसके रिजल्ट के एंड में भी कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोगों के 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व होने वाले। अभी मैंने बताया अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो उसके रिजल्ट के एंड में भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर किसी नंबर के अंदर 2 और 5 के फैक्टर्स बन रहे हैं, ओनली 2 और 5, ध्यान रखना ओनली का मतलब है केवल, या तो मतलब 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, दोनों ही आने चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा 3 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, या अकेला 2 नहीं होना चाहिए, अकेला 5 नहीं होना चाहिए, या कोई 7 का फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओनली अगर 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर भी कब हमेशा किस पे एंड होगा,
जीरो पे एंड होगा। सिंपल से बोल समझ सकते हो, टू और फाइव के फैक्टर है, मतलब टू और फाइव को लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे टेन बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर टू का और फाइव का फैक्टर कहीं नंबर में दिखे, केवल इन दोनों का, तो उस नंबर की एंडिंग किस पे होगी, जीरो पे होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये नंबर दे दिया 2 पावर 20 मल्टीप्लाई 5 पावर 71, तो यहाँ आप देख सकते हो ओनली टू और फाइव के फैक्टर्स हैं ओनली। तो हम बोल सकते हैं इस नंबर की एंडिंग हमेशा कहाँ पे होगी, जीरो पे होगी। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, जब कभी भी किसी नंबर के एंड में कितना आ जाए, 9 आ जाए, तो उसकी दो सिचुएशन बन सकती है। उसकी जो पावर गिवन है ना, वो दोनों हो सकती है, या तो ओड हो या इवन हो। यहां पे ओड इवन के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर 9 के आ जाए तो 9 के केस में पावर को देखना पड़ेगा, ओड है या इवन। अब जैसे अगर इसकी पावर क्या है, n की वैल्यू ओड है, तो उस केस में देखो मैं दो एग्जांपल समझाता हूं। जैसे 9 पावर 1 है, ओड है, तो 9 आ रहा है। 9 पावर 3 है जो कि ओड है, तो कितना आ रहा है, 729। तो आप देख सकते हो लास्ट में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर पावर ओड है और लास्ट में n 9 आ रहा है, तो अगर पावर ओड है तो लास्ट में उस नंबर के कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। और अगर पावर इवन है, जैसे कि 9 पावर 2 तो 81 आ रहा है, ऐसे 9 पावर 4 अगर करके देखते हैं तो वो आता है 6561। तो देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि अगर पावर n है 9 की, तो हम मतलब अगर 9 की पावर n जो कि इवन है, तो लास्ट में हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इधर भी लास्ट में कितना है, 9 है, लेकिन यहाँ पे पावर लास्ट में 1 है, यानी कि कितनी है, ओड है। तो ओड है तो लास्ट में कितना आएगा रिजल्ट, 9 आएगा, यह भी हमने सीखा है। और यहाँ देखो पावर कितनी है, 9 है, लेकिन लास्ट में 2 है, यानी कि ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। और अगर लास्ट में इवन आ रहा है तो इसकी एंडिंग हमेशा किस पे होगी, 1 पे होगी। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके ऊपर 4 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कि किस टाइप से सवाल बन सकता है। तो देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे को एंड डिजिट बताना है, हमारे को पूरा रिजल्ट नहीं बताना है, केवल लास्ट वाला डिजिट बताना है, उससे हमारे को मतलब है। तो सबसे पहले देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका पूरा रिजल्ट निकालने बैठे और इसका पूरा रिजल्ट निकालने बैठे, तो पता नहीं कितनी हो सकता है हमारे को 4-5 जन्म लग जाएंगे इसको करने में। अगर मैन्युअली करके देखेंगे विदाउट यूजिंग एनी सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर, तो सालों लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 639 की पावर कितनी है, 2023। तो पहले तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो हम दो चीज़ हो सकते हैं, या तो रिजल्ट के लास्ट में 9 आएगा या 1 आएगा, वो डिसाइड होगा इस पावर से। तो ये पावर कितनी है, 2023 है जो कि ओड है। तो हम बोल सकते हैं कि इस नंबर के एंड में लास्ट में क्या आने वाला है, जब पावर क्या होती है, ओड होती है, तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ हमारा 9 आ गया, हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं है आगे क्या आ रहा है, बस लास्ट में 9 आ रहा है। ऐसे 155 है, उसकी पावर 72 है, तो लास्ट में इसके 5 आ रहा है, और जब 5 आता है तो लास्ट में कितना ही आता है, 5 ही आता है। अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें तो केवल 1 डिजिट चाहिए, आगे वाले से मतलब ही नहीं है। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसका एंड डिजिट कितना होगा, 4 होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 365 की पावर 935, तो लास्ट में इसके कितने आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके रिजल्ट के एंड में भी कितना आएगा, 5 आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे ही 729 है, उसकी पावर 21 है, 21 क्या है, एक ओड है, और यहाँ पे ओड देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। तो जब ओड आता है तो लास्ट में कितना आता है, 9 आता है। अब हमें इनको माइनस करना है, अब 5 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक बोरो करेंगे और इधर से एक बोरो करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके एंड डिजिट पे क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमें आगे वाले रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल एंड डिजिट पूछा था, तो एंड डिजिट हमारा कितना होगा, 6 होगा। अब दो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो 729 दे रखा है, उसकी पावर 2022 है, तो ये एक इवन नंबर है। और जब अगर 9 के एंड में क्या हो जाए, इवन पावर, मतलब अगर लास्ट में 9 आ रहा है और पावर कितनी हो जाए, इवन हो जाए, तो एंडिंग किससे होगी, 1 से होगी। तो हम बोल सकते हैं इसको जब हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा,
वन आएगा। ऐसे ही 676 है, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 1, 2, 3, 4। अब लास्ट में 6 आ गया तो 6 की तो कितनी ही पावर हो, एंडिंग किससे होगी, 6 से ही होगी, तो इसके लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से वही 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इधर से एक बोरो करेंगे, ये 11 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा तो 11 में से 6 गया तो क्या गया? बचेगा लास्ट में 5 बचेगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा उसके एंड डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है। तो देखो 5, 3, 4, 9, इसकी पावर कितनी गिवन है, 343, तो लास्ट में 9 है तो हमें ओड इवन देखना पड़ेगा, तो 343 ओड है, ओड होने की वजह से लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर पावर ओड है तो लास्ट में कितना आता है, 9 आता है। अगर हम बात करें 7535 टू द पावर 12, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो हमें ओड इवन नहीं देखना, केवल क्या करना है, 5 का एंड, मतलब अगर किसी नंबर का एंड 5 पे हो रहा है तो उसकी कितनी भी पावर हो उसके रिजल्ट का एंड 5 पे ही होगा। अब दोनों को क्या करना, ऐड करना है, तो जब 9 को 5 से के अंदर ऐड करेंगे तो 14 बनेगा, तो यहाँ 14 का 4 आ जाएगा और आगे यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट में इसका एंडिंग किससे होगी, 4 से होगी, क्योंकि हमें आगे से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस एंड डिजिट का रिजल्ट पता करना है कि एंड डिजिट पे क्या आएगा। आई होप ये चारों एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम 2 से 3 क्वेश्चंस और करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब हम ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये तो आया हुआ है एनटीएससी स्टेज 1 2017 में आया हुआ सवाल है, और ये 2022 के अंदर सीबीएसई के अंदर आया हुआ सवाल है। तो चलिए पहले ये वाला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, विच इज द यूनिट या एंड डिजिट ऑफ 6 पावर 18 माइनस 5 पावर 10। यानी कि हमारे को 6 पावर 18 माइनस 5 पावर 10 को सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा उसका एंड डिजिट पता करना है। तो पहले तो 6 पावर 18 है, तो हमारे को पता है कि अगर किसी नंबर के एंड में 6 आ रहा है तो उसकी कितनी भी पावर हो उसका एंडिंग किससे होगी, 6 से ही होगी। और अगर 5 की पावर कुछ गिवन है तो उसकी एंडिंग हमेशा किस पे होती है, 5 पे ही होती है। हमें इसमें से इसको माइनस करना है, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा उसकी एंडिंग हमेशा किस पे होगी, 1 पे होगी। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही हमारे लिए सिंपल सवाल है। अगर हमने पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं होगा ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है कि हम लोग इसको छोड़ के आ जाए कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया, इतने बड़े नंबर कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये सीबीएसई ने 2022 में पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो n गिवन है एक नेचुरल नंबर है, यानी पावर एक नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, उन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। हमारे को ये बताना है ये 2 × (5)n + 6)n ये ऑलवेज किसके ऊपर एंड होगा, मतलब इसकी एंडिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले देखो हमारे को सॉल्यूशन में पता करना है कि भाई इसका जब रिजल्ट आएगा तो किस पे एंड होगा। तो 2 × (5)n + 6)n, तो पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में 5 पावर n है तो इसकी एंडिंग हमेशा किस पे होने वाली है, 5 पे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 6 पावर n है, इसकी एंडिंग हमेशा किस पे होने वाली है, 6 पे होने वाली है। दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 5 और 6 यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 5 और 6 11 का 1 हो जाएगा, आगे से हमें लेना देना ही नहीं है कुछ भी, ठीक। ये करने के बाद में हमारे को जो ये रिजल्ट मिला, ब्रैकेट वाले का रिजल्ट मिला, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला डिजिट 2 हो जाएगा, और आगे क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है हमारा वो 2 पे एंड होगा, तो इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ और पीवाईक्यूज को देखते हैं। अब हम 2 और क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैक्सिमम चांसेस है कि आ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इस बार थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है, डायरेक्टली उसने कुछ नहीं पूछा है कि एंड डिजिट क्या होगा, वो ये पूछना चाहता है कि चेक करके बताओ 0 पे एंड होगा या नहीं होगा, या 5 पे एंड होगा या नहीं होगा। तो देखो चेक वेदर 4 पावर n, इस बार 4 की पावर कुछ एन दे दी, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
यानी कि पावर एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, क्या कभी किसी भी पावर के लिए इसका एंड जीरो पे होगा? अब अभी अभी हमने सीखा है जीरो पे एंड होने का मतलब है कि अगर किसी नंबर के एंड में जीरो आ रहा है और उसकी कुछ पावर है तो उसका एंड जीरो पे होगा, या फिर उस नंबर में टू और फाइव के फैक्टर बन रहे हैं ओनली तो उस नंबर का एंड किस पे होगा? जीरो पे होगा। तो अब यहाँ पे फोर है, यानी कि ये सिचुएशन तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि जीरो तो इसके एंड में आ ही नहीं रहा, तो इसकी कुछ भी पावर होगा उससे लेना देना ही नहीं है। हमारा मेन फोकस इसी पे रहने वाला है। अगर हमने ये डिसाइड कर दिया कि इसके अंदर टू और फाइव के फैक्टर आ रहे हैं तो ये जीरो पे एंड होगा, और अगर हम ये नहीं दिख शो कर पाए कि टू और फाइव दोनों ओनली इन दोनों के फैक्टर आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि इसका एंड जीरो पे नहीं होगा। तो देखिए करते हैं इसी चीज को। तो पहले तो फोर पावर एन है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टू मल्टीप्लाई टू फोर को, तो और पूरे की पावर क्या चल रही है, एन चल रही है। अब टू मल्टीप्लाई टू को टू पावर टू लिख सकता हूं, उसकी पावर कितनी है, एन है। और ये आपको पता होगा जब पावर गिवन होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो टू पावर टू एन बन गया। तो अब यहां देख सकते हो कि यहां ओनली टू का एक फैक्टर मिल रहा है हमारे को, और हमें पता है कि अगर किसी नंबर की एंडिंग जीरो पे होती है तो उसके अंदर टू एंड फाइव दोनों के ओनली फैक्टर होने चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं, देखो तब लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा इसका आंसर। आंसर बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लैंग्वेज अच्छे से लिख के आना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ द नंबर एंड विल एंड एट जीरो, अगर नंबर जीरो पे एंड होगा, इट मस्ट बी कंटेंड, इसके अंदर क्या होने चाहिए, फैक्टर्स ऑफ टू एंड फाइव ओनली, यानी कि ये नंबर कुछ इस टाइप का होना चाहिए। लेकिन ये तो ओनली टू के कुछ फैक्टर बन रहे हैं, अगर इस टाइप के फॉर्म में नहीं है नंबर तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पांच का फैक्टर नहीं होने की वजह से ये नंबर कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बट हेयर नो एनी फैक्टर ऑफ फाइव, यहाँ पे पांच का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए फोर पावर एन विल नेवर एंड एट जीरो, कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके ऊपर दो तीन टाइप के सवाल और पूछे जाते हैं, तो वो भी एक बार एक में करवा देता हूँ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको ट्राई करना, जो कि 2015 और 17 में पूछा हुआ है। अब देखो एक ही साल बाद में वापस से रिपीट कर लिया, बीच में एक साल का गैप दिया फिर रिपीट हो गया, यानी कि मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के। अब आगे फिर से चेक करना है, इस बार 12 पावर क्या दे दिया, एन है, जो कि जीरो या पांच पे एंड होगा। तो वही बात हो गई, जीरो पे एंड होने का मतलब है टू और फाइव दोनों के फैक्टर हो, और फाइव पे एंड होने का मतलब है ओनली फाइव का फैक्टर हो, तो क्या होगा, फाइव पे एंड हो जाएगा। तो हम दोनों ही करके देख लेते हैं कि अगर टू और फाइव दोनों के बन रहे हैं तो बोल देंगे जीरो पे एंड होगा, और ओनली फाइव का बन रहा है तो बोल देंगे फाइव पे एंड होगा, और अगर इनमें से दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं बन रही तो हम बोल देंगे कि जीरो और फाइव पे कभी भी एंड नहीं होगा। तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई थ्री टू द पावर एन लिख सकते हैं, और यहां पे 2 पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो गई, n हो गई, और अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये n इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो 2 पावर 2n मल्टीप्लाई 3 पावर n। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां देख सकते हो अगर ये नंबर ऐसा बनता, जो कि नहीं बन रहा, ये नंबर ऐसा बनता तो किस पे एंड होता, जीरो पे होता, इसका मतलब जीरो पे तो एंड नहीं हो रहा क्योंकि ये पावर टू पावर समथिंग फाइव पावर समथिंग नहीं बन रहा है। अगर ये ओनली किस पे एंड होता, ऐसा बनता फाइव पावर कुछ ऐसा होता फैक्टर में, केवल टू नहीं होता, तो वो किस पे एंड होता, फाइव पे एंड होता। लेकिन यहाँ पे टू और थ्री बन रहा है ना कि ओनली फाइव, तो हम बोल देंगे कि इसकी एंडिंग फाइव पे भी नहीं होगी। तो हमने चेक करके बता दिया कि ना तो ये जीरो पे एंड होगा ना ही फाइव पे एंड होगा। लैंग्वेज सेम एज इट इज ऐसी तरीके से लिखनी है आप लोगों को। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि सिक्स पावर एन, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके तो बता देता हूँ। सिक्स पावर एन को क्या लिख लेना, टू मल्टीप्लाई थ्री पावर एन, तो यहाँ पे टू पावर एन मल्टीप्लाई थ्री पावर एन, फिर से वही कंडीशन बन चुकी है कि यहाँ पे टू और फाइव का फैक्टर नहीं बन रहा, ओनली टू एंड फाइव का, इस वजह से ये क्या होगा, कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में कवर अप किया था, उसके क्या एप्लीकेशन है, यानी कि उसका यूज कैसे किया जाता है।
तो मेनली उसका यूज किया जाता है HCF और LCM फाइंड करने के लिए, जो कि आप फोर्थ या फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए आए हो कि HCF LCM क्या होता है। बस यहाँ एक न्यू तरीके से सवाल पूछा जाएगा, एक बिल्कुल डिफरेंट वे होगा और करने का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाएगा, एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के हमारे को क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि HCF जिसको एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, ध्यान रखना GCD, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो HCF नहीं बोल के GCD लिख देते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है, HCF की फुल फॉर्म तो हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा वही HCF होगा। अभी करके देखेंगे एक एक एग्जाम्पल, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, भाई फैक्टर का मतलब होता है जिससे डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइजर का मतलब है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। अब हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट तो एक तरीके से एक दूसरे के सिनोनिम्स यूज के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो पहले एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि HCF का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमें जैसे 12 और 16 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले मैं 12 के सारे फैक्टर्स निकाल लेता हूं, 16 के सारे फैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले निकाल लेता हूं फैक्टर्स ऑफ 12, और ऐसे ही क्या निकाल लेता हूं फैक्टर्स ऑफ 16। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। अगर 16 के फैक्टर की बात करूं, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। अब हमें दोनों के फैक्टर तो निकाल लिए, अब हमें इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, एक तो 1 दोनों में कॉमन है, एक 2 दोनों में कॉमन है और एक 4 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 16, वो कौन कौन से आ गए, 1, 2 और 4। लेकिन हमें कॉमन फैक्टर नहीं निकालना, हमें कॉमन में भी हाईएस्ट वाला निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ऑफ 12, 16 हमें निकालना था। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, HCF ऑफ 12, 16, HCF और ब्रैकेट में जिसका भी HCF निकालना है वो। तो वो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा आया, 4। यानी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का 12 और 16 का HCF कितना हो गया, 4। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये सवाल है। ये 4 हमने निकाल तो लिया, अब ध्यान से सुनना, 12 के अंदर और 16 के अंदर हमें नंबर से डिवाइड करना है, हमें वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जिससे हम 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 16 को भी, उससे बड़ा कोई भी नहीं होगा। क्या 1 से दोनों डिवाइड होते हैं, लेकिन वो तो छोटा है, 2 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 से बड़ा कोई नंबर अगर आप लोग सोचोगे तो उससे अगर 12 डिवाइड हो जाएगा तो 16 को डिवाइड नहीं कर पाओगे, और अगर 16 को डिवाइड कर पाओगे तो 12 को डिवाइड नहीं कर पाओगे। यानी कि हम बोल सकते हैं 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। आई होप HCF का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब HCF फाइंड बड़े बड़े नंबर्स का कैसे फाइंड करें, यहाँ तो हमने फैक्टर्स निकाल के फाइंड कर लिया, लेकिन अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े नंबर का हम एक एक फैक्टर्स निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसको निकालने का एक प्रॉपर वे होता है, तरीका होता है, उसको हम करते हैं। तो देखो, इसी का मैं एक प्रॉपर तरीके से करके बताता हूँ, HCF निकाल के बताता हूँ। 12 और 16 मैंने यही एग्जांपल ले लिया है, फिर आगे मैं दो और एग्जांपल्स आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे क्या करना है, हमें तो एक्चुअली हमारे को तो कौन सा टॉप मेथड यूज करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि दूसरी भाषा में बोले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम क्या करना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं। तो पहले मैंने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम, 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो 12 के फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 12 के फैक्टराइजेशन। ऐसे 16 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन हम, 2 8 2 4 2, फिर से 2 टाइम डिवाइड हुआ 2 से 1 टाइम, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये बन गया 2 पावर 4। अब यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो हम बोल सकते हैं 3 पावर 0 रहा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। अब समझ, हमें दोनों का HCF निकालना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लिया, मतलब रख लिया। HCF निकालने का मतलब है दोनों के कॉमन पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 2 पावर 2 है, 2 पावर 4 है, तो दोनों में हम बोल सकते हैं 2 पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 पावर 2 पिक कर लिया। यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पे 3 पावर 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 पावर जो 0 वाला पार्ट है वो कि हमारे लिए कॉमन पार्ट है। वैसे एक्चुअली कोई 3 पावर 0 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता,
लेकिन हम बोल सकते हैं कि दोनों में से जो कॉमन वाले पेयर बन रहे हैं वो हमें पिक कर लेना है, वही हमारा HCF होगा। तो 2 पावर 2 यानी कि 4। अब अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पे 2 पावर 2 थी, यहाँ पे 2 पावर 4 थी, हमने छोटी वाली पावर को पिक किया। यहाँ पे 3 पावर 1 थी जिसकी वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे 3 पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमने 1 को पिक किया, मतलब 3 पावर 0 को उठाया। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कभी हमें HCF निकालना है तो जो कॉमन फैक्टर्स बनेंगे उसमें स्मॉलेस्ट वाली पावर्स को उठाना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा HCF होगा। अब इसको मैंने यहाँ भी लिख भी दिया, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी इन दोनों नंबर्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे उसमें जो स्मॉलेस्ट वाली पावर्स है उनको पिक करके हमारे को मल्टीप्लाई कर देना है, उस वाले स्मॉलेस्ट पावर वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, हमारे को एक नंबर दे रखा है A, जो कि कितना है x पावर 3, बीच में मल्टीप्लाई होता है ये आप लोगों को पता होगा, और सॉरी x पावर 2 मल्टीप्लाई y पावर 3, और दूसरा नंबर गिवन है B, जो कि कितना है x पावर 3 बीच में मल्टीप्लाई है y। अब हमें A और B का दोनों का क्या निकालना है HCF। तो अभी अभी मैंने बताया HCF का मतलब है हमें छोटी वाली पावर पिक कर दी है, तो क्या होगा यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3 है, तो हमें ये लेना पड़ेगा, तो हमने x पावर 2 को पिक कर लिया। फिर यहाँ पे y पावर 3 है, यहाँ पे y पावर 1 है, तो हमें 1 को लेना पड़ेगा छोटी वाली पावर को, तो हमने y पावर 1 को पिक कर लिया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा x²y, हमारा इन दोनों का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल करते हैं। देखो यहाँ पे एक नंबर गिवन है x, कितना है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। यहाँ पे एक नंबर y गिवन है जो कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 0। तो अब देखो हमें दोनों का HCF निकालना है, तो हमें छोटी वाली पावर्स पिक करनी है। तो 2 पावर 2 और 2 पावर 3 में किसको पिक करेंगे हम, 2 पावर 2 वाले को। तो HCF ऑफ x, y हमें निकालना है, तो 2 पावर 2 को हमने पिक कर लिया। यहाँ पे 3 पावर 3 है, यहाँ पे 3 पावर 2 है, तो हमें किसको पिक करना है 3 पावर, यहाँ पे हमने 2 को पिक किया था, तो यहाँ पे भी छोटी वाली पावर को पिक करेंगे, तो 3 पावर 2 को पिक कर लिया। अब यहाँ पे 7 पावर 2 है, यहाँ पे 7 पावर 1 है, तो हमें क्या करना है 7 पावर 1 को पिक कर लेना कॉमन वाले फैक्टर्स में से। 5 कॉमन आ नहीं रहा दोनों में, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पावर 2 मतलब कि 4 हो गया, 3 पावर 2 मतलब 9 हो गया, मल्टीप्लाई 7, 36 मल्टीप्लाई 7। जब आप इसको करोगे तो 252 इसका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहले LCM पढ़ते हैं, फिर दोनों के मिक्स करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि 2 नंबर्स के LCM का क्या मतलब है, या 2 से ज़्यादा नंबर्स के LCM का क्या मतलब होता है। ये तो आप लोग बचपन से जानते होंगे कि LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो सब कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसमें जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा वो मल्टीपल क्या होगा हमारा LCM होगा। तो पहले बात तो मल्टीपल्स क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, 4 और 6 का हमें LCM फाइंड करना है। तो वैसे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करते हो, उसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे निकालना है मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 के मल्टीपल्स निकाल के रख लेता हूँ मैं, और ऐसे ही फिर मैं मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल लेता हूँ। ये निकालने के बाद में मुझे दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6, और जब कॉमन निकल जाएंगे उसके बाद में मुझे सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो LCM मिलेगा। तो देखो 4 के मल्टीपल होने का मतलब है 4 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे नंबर्स। तो 4 से क्या क्या डिवाइड हो सकता है, 4 डिवाइड हो सकता है 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन आगे तक चलते जाएंगे, कभी कोई इसकी एंडिंग नहीं होने वाली। अब अगर बात करें 6 के, तो 6 की एक तरीके से टेबल बोल सकते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब हमें इन दोनों में से कॉमन पिक करने हैं, तो कॉमन कौन कौन से होंगे,
जो दोनों जगह आ रहे हैं मल्टीपल्स, एक 12 आ रहा है, एक 24 आ रहा है, एक 36 आ रहा है, और आगे भी आएंगे तो आप नोटिस कर सकते हो एक तरीके से 12 की टेबल अब कॉमन के तौर पे आ रही है। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, 12 है, 24 है, 36 है, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। लेकिन हमें कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकालने, हमें निकालना है सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। तो वो कौन सा होने वाला है, 12 होगा, जो कि सबसे क्या है, लोएस्ट है या लिस्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 और 6 है इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। अब इसका मीनिंग समझना, आप कोई 12 से छोटा नंबर सोच के देखो जो कि 4 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। आप लोगों को ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा 12 से छोटा जो कि 4 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। 4 से होगा तो 6 से नहीं होगा, 6 से होगा तो 4 से नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं 12 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 4 और 6 दोनों से क्या होता है, डिवाइड होता है। आई होप एलसीएम का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम एक एक करके अगर मल्टीपल्स निकालने बैठेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स की तो टेबल बनाने ही बैठ जाएंगे, तो हो सकता है कि आधा घंटा हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें, कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो हमने पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल पहले करवाता हूँ, फिर हम लोग इसको ये समझते हैं कि भाई इससे हमने एग्जांपल से क्या रिजल्ट निकाल के रखा है वो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे मुझे 40 और 60 का एलसीएम फाइंड करना है तो वही मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 क्या होगा, इसके अंदर मैं यहाँ कर देता हूँ, 40 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 20 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करूँगा 10 आएगा, 2 को 2 से फिर से डिवाइड करूँगा 10 को तो 5 टाइम होगा, 5 को 1 से करूँगा तो 1 मतलब 5 को 5 से करूँगा तो 1 टाइम हो गया। तो हमारे पास 2 3 टाइम्स आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो ये बन गया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40। अब ऐसे 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हमारा ये क्या बन चुका है, 2 पावर 2 हो गया, 2 2 है तो, और एक 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रख दिया। लेकिन हमें तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है ये ध्यान से सुनना। अभी भी हमें जैसे एचसीएफ निकाल रहे थे वैसे ही कॉमन ढूंढना है, लेकिन वहां पे हम स्मॉलेस्ट पावर वाले फैक्टर्स को पिक कर रहे थे, यहां हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इस नंबर के अंदर जो प्राइम फैक्टर बन के आए हैं इसके अंदर ग्रेटेस्ट पावर वालों को पिक कर लो, 2 पावर 3 2 पावर 2, इसमें 2 पावर 3 ग्रेटेस्ट पावर वाला है उठा लिए, यहाँ पे 5 पावर 1 है, यहाँ भी 5 पावर 1 है, दोनों ही ग्रेटेस्ट है तो दोनों में से हमने 5 को पिक कर लिया। यहाँ पे 3 पावर कुछ है नहीं तो हम 3 पावर 0 मान सकते हैं, यहाँ पे 3 पावर कितनी है 1 है, तो 3 पावर 1 यहाँ पे बड़ी वाली पावर हुई क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 0, यहाँ पे 3 पावर 1 तो 3 पावर 1 को उठा लिया। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 पावर 3 को 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 5 और ये 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी 120 हमारा इन दोनों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम निकालने का जो हमारा बेस्ट तरीका है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम मतलब लोएस्ट वाले में उल्टा समझ जाओ कि ग्रेटेस्ट वाली पावर्स को पिक करना है, मतलब ग्रेटेस्ट पावर वाले फैक्टर्स को उठा के मल्टीप्लाई करना है, और एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वाली पावर को पिक करना है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया है दोनों का कंक्लूजन, एचसीएफ के अंदर स्मॉलेस्ट पावर वाले फैक्टर्स को का प्रोडक्ट निकालना है, और एलसीएम के केस में ग्रेटेस्ट पावर्स वाले फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एलसीएम के ऊपर देखो, ये 3 क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। हमारे को एक नंबर गिवन है ए जो कि है x पावर 3 y पावर 2, एंड दूसरा नंबर है x पावर 2 y पावर 3, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, a कोमा b का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ a कोमा b, अभी अभी हमने समझा एलसीएम निकालना है तो हमें ग्रेटेस्ट पावर पिक करनी है, तो यहाँ पे x पावर 3 और x पावर 2 में ग्रेटेस्ट कौन है, x पावर 3, तो इसको हमने पिक कर लिया। ऐसे ही y पावर 2 और y पावर 3 में कौन बड़ा है, y पावर 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब हमारा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे ही एक और सवाल है देखो, फाइंड एलसीएम ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिबल, मतलब उसने खुद ही प्राइम फैक्टर करके दे दिए, एक तो दे दिया 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 और एक दे दिया 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। अब हमें तो एलसीएम निकालना है इन दोनों का। मान लो कि कुछ टाइम के लिए ए है और ये बी है,
तो अगर मुझे ए कोमा बी का एलसीएम निकालना पड़े तो मैं बड़ी वाली पावर्स को पिक करूंगा, यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ पे 3 पावर 1 है, जहाँ पे कुछ पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है, ठीक है, और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे 3 पावर 0 मान लेंगे हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अभी 3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 3 पावर कितनी है, 1 है, तो बड़ी वाली पावर उठानी है एलसीएम का, मतलब बड़ी पावर पिक करनी है तो 3 पावर 2 पिक कर लियो। यहाँ पे 5 पावर 2 है, यहाँ पे 5 पावर कुछ भी नहीं है तो 5 पावर 2 बड़ा होगा, यहाँ पे 7 पावर 2 है, यहाँ पे 7 कुछ भी नहीं है तो 7 पावर 2 बड़ी होगी, इसको हमने पिक कर लिया। अब हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में आए तो आप एमसीक्यूज में अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है तो उसको हमने फाइनल आंसर के तौर पे लिख दिया, लेकिन अगर हो सकता है कई बार इनको मल्टीप्लाई करके भी लिखना पड़े तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख देना, ये 3 पावर 2 9 हो गया, 5 पावर 2 25 हो गया और ये हो गया 49, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जो सीबीएसई ने 2014 में पूछा हुआ है, हमारे को इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दिमाग में आते ही बड़ी वाली पावर्स को पिक करना ये दिमाग में होना चाहिए, तो 2 पावर 2 2 पावर 4 में क्या करना है हमारे को, एलसीएम निकालने के लिए 2 पावर 4 को पिक कर लिया, 3 पावर 1 और 3 पावर नथिंग तो 3 पावर 1 को पिक करेंगे, 5 पावर 1 और 5 पावर 1 तो दोनों में से 5 पावर 1 ही कॉमन आ रही है, 7 यहाँ है नहीं, यहाँ है तो यहाँ पे बड़ा वाला 7 होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है तो देखो 2 पावर 4 का मतलब हो गया 16 3 5, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा, तो ये हो गया 48 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखो मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली, 480 को 30 टाइम्स करना है तो पहले 480 480 480 यानी 400 400 400 1200 हो गया, 80 80 80 कितना हो गया 240 हो गया, तो ये हो गया 14 14। उसके बाद में हमें करना है इसको 5 टाइम करना है, तो आई थिंक इसका आंसर आने वाला है आप लोगों के, ये निकल के आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना एग्जैक्टली कितना आएगा, तो 1680 इसका क्या होने वाला है, हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, आप प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लोगे ये हमारा आंसर आएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद में आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हम एलसीएम और एससीएफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, अभी मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं 4-5 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, फिर आप लोगों को होमवर्क वाले क्वेश्चंस दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक को हम फिर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2019 के अंदर पूछा है क्वेश्चन, क्या बोला है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है ए और बी, ए तो गिवन है x^3 y^2 और बी गिवन है x y^3 और x और y के बारे में दे रखा है ये प्राइम नंबर्स है, हमारे को a और b का क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि एलसीएम पहले तो लिख लेंगे अगर प्रॉपर तरीके से लिखने का, तो है यहाँ पे a कितना है x³ y^2 और b कितना है x y^3, हमें एलसीएम निकालना है a कोमा b का, तो एलसीएम का मतलब है ग्रेटेस्ट वाली पावर्स वाले प्राइम फैक्टर्स को पिक कर लो और उनको उनका प्रोडक्ट निकाल दो, तो x^3 और x में से क्या उठाएंगे x^3 और y^2 और y^3 में से किसको ले लेंगे y^3, यानी कि x³ y³ हमारा इन दोनों का क्या हो गया एलसीएम हो गया, ये बिल्कुल एक नंबर का आया होगा आई होप कि, तो आसान सा सवाल था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये चारों सवाल अच्छे सवाल हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल है, जो अगर नोट जो मैं बीच बीच में लिखवाता हूँ वो अगर याद रख सकते हो तो इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो क्या बोला है, द लीस्ट नंबर, जब लीस्ट बोल दे तो समझ जाओ कि एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी आगे पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, यानी कि हमें वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल हो जाए किससे, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ एक्सक्लूसिव, इसका मतलब 1 और 10 को शामिल नहीं करना है, उसके अलावा यानी कि 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सबसे डिवाइड होने वाला एक नंबर हमें पता करना है कि वो इससे भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी हो जाए 3 से भी 4 से 5 6 7 8 9 सबसे डिवाइड हो जाए। तो अब कॉमन सेंस का यूज करो कि वो नंबर इनसे छोटा होगा या बड़ा, कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब या तो 9 हो सकता है 9 से बड़ा ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इनसे बड़ा नंबर हमें निकालना है कोई, ठीक है, तो वो हमारा सबसे इस क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन होता है, लीस्ट नंबर सबसे छोटा, छोटा सोचते ही हम लोग छोटे नंबर की तरफ सोचने लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई हमारे को वो नंबर पता करना है जिससे जो 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी हो जाए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 बोला
तो 12 टू से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, लेकिन 5 से नहीं हो रहा ना, 9 से भी नहीं होगा, उसी तरीके से 6 से हो जाएगा लेकिन 8 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, ठीक, 6 से होने के बाद में 7, 8 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं कि वो सबसे छोटा नंबर हमारे को फाइंड करना है जो कि इन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो और जब कभी भी लीस्ट नंबर फाइंड करना होता है इनडायरेक्टली समझ लो कि एलसीएम निकालना है, तो हमें 2 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं, 2 को हम 2 पावर 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 पावर 1, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 पावर 2 लिख सकते हैं, 5 को हम 5 पावर 1 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 7 को 7 लिख सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 पावर 2 लिख सकते हैं। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए बड़ी वाली पावर्स को पिक करना पड़ेगा, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 में सबसे बड़ा कौन है, 2 पावर 3, 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2 में कौन बड़ा है, 3 पावर 2, 5 पावर 1 और 5 पावर 1 ही है बस एक सिंगल, इसको पिक कर लिया, 7 में कौन सा है, 7 में 7 पावर 1 ही है, इसको पिक कर लिया, इनको मल्टीप्लाई करना है, और कुछ छूट तो ही नहीं गया ना, हाँ आई होप सारे मैंने शामिल कर लिए। अब देखो 2 पावर 3 तो 8 हो गया, 3 पावर 2 9 हो गया, और इन दोनों को करेंगे 35 हो गया, ये हो गया 72 मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 0, 7, 35 को 7 टाइम करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखना, देखा कितना आता है, आई होप इसका आंसर आ रहा होगा 2520, ठीक है। तो मैं देखो डायरेक्टली मैं कैसे कर लेता हूँ कि भाई हमारे को इसको 70 समझ लो, या 72 को 30 टाइम करो, 72, 70 मतलब 720, 720, 720, तो कितना हो गया 260 हो गया, ठीक है 2160 हो गया। ऐसे ही फिर 5 टाइम करना है जिसको मतलब 270 का मतलब 220 का हाफ कर देंगे, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लेना, मैं मेरे मेमोरी के अंदर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो यानी कि हमारा वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होने वाला है 2520, जो कि क्या होगा इन सबसे जिसमें 1 और 10 शामिल नहीं है, यानी 2 से लेके 9 तक के सभी नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2520। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, द एच सी एफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स ए एंड बी इज, हमारे को दो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, उसका एच सी एफ निकालना है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ कि जब मैंने एच सी एफ पढ़ाया था तो दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का एच सी एफ हमेशा 1 होता है, ये डायरेक्टली याद रखना है। तो एच सी एफ हमारे को अगर निकालना है ए और बी का, जो कि प्राइम नंबर्स है, ए और बी यहाँ पे प्राइम है, तो डायरेक्टली बिना सोचे समझे एच सी एफ 1 कर देना। लेकिन अगर मान लो इन्हीं का एल सी एम पूछ लेता हूँ, तो एलसीएम निकालने का भी तरीका है कि डायरेक्टली दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे इसने पूछा नहीं, अगर एलसीएम पूछा होता तो बी आंसर हो जाता। अब इसने एचसीएफ पूछा है, ये एनटीएससी स्टेज 1 2014 में आया हुआ सवाल है। अब देखो ये सवाल क्या है, पहले ये कर लेते हैं फिर इस पे आएंगे, या पहले ये कर लेते हैं, दो कोई सा भी, दोनों एक जैसे ही सवाल है। देखो ए एक नंबर है जो कि कितना दे रखा है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3, बी एक नंबर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सी एक नंबर है 3 पावर एन मल्टीप्लाई 5। तो हमारे को यह भी गिवन है कि तीनों का एलसीएम कितना है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखो पहले तो सबको लिख लेता हूँ, ए कितना है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3, बी कितना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सी कितना है 3 पावर एन मल्टीप्लाई 5, और तीनों का एलसीएम ए कोमा बी कोमा सी का जो एलसीएम है वो कितना है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब समझो ये एलसीएम आया कैसे होगा, बड़ी वाली पावर्स को पिक किया होगा। तो 2 पावर 3 तो देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2 पावर 3 है, यहाँ पे 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर कुछ भी नहीं है, तो 2 पावर 3 को पिक कर लिया होगा। यहाँ पे देखो 5 कुछ भी नहीं है, यहाँ 5 पावर 1 है, यहाँ पे 5 पावर 1 है, तो 5 पावर 1 को पिक कर लिया होगा। अब 2 पावर ये 3 पावर 2 कहाँ से आई होगी, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे सबसे बड़ी वाली पावर को पिक किया होगा। यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पे 3 पावर n है, और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर आ रही है, तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है 3 पावर 2 रही होगी, उसी को तो हमने यहाँ पिक किया होगा। तो हम बोल सकते हैं n की जगह पे क्या आया होगा 2 आया होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमें बड़ी वाली पावर्स को पिक करना है। यहाँ पे 3 पावर 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, 3 पावर n है, सबसे बड़ी पावर पिक करी गई होगी। तो सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, n की जगह पे 2 होगा तभी तो सबसे बड़ी पावर बनेगी। तो हम बोल सकते हैं कि n की जगह पे 2 है, तो जो कि 3 पावर 2 हुआ, जिसको हमने यहाँ पे उठा के एलसीएम में
की वैल्यू में क्या बोलते हैं रख लिया, जिससे कि हमारा एलसीएम ये बना। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये देखो एक और डिफरेंट टाइप का सवाल है जो 2008 में सीबीएसई में आया हुआ है, 2018 के अंदर फिर से इसको रिपीट किया है। क्या पूछा है, डायरेक्टली उसने कोई नंबर दिया ही नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से कोई लैंग्वेज में लिख दिया। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम, वो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब यही नहीं पता होगा किसी को कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ के आएगा या तो या फिर कुछ गलत करके आएगा। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है पहले तो वो लिख ले। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। ऐसे ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो होता है 2। अब हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं दोनों के, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी 2 पावर 2। और ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है फैक्टराइजेशन को, ऑफ 2 कितना होगा, 2। अब हमें दोनों का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। 4 और 2 का एलसीएम निकालने के लिए बड़ी पावर्स को पिक करेंगे, तो बड़ी पावर 2 पावर 2 और 2 पावर 1 में कौन है, 2 पावर 2। तो हमारा एलसीएम तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है 4.2 का, तो एचसीएफ निकालने के लिए छोटी पावर्स को पिक करते हैं, तो 2 पावर 2 और 2 पावर 1 में किसको पिक कर लेंगे, 2 पावर 1, यानी कि 2 हमारा एचसीएफ होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे 2 से 3 क्वेश्चंस और करते हैं, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस भी लिख देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब हम ये 3 क्वेश्चंस और करके देखते हैं, इसके बाद में आप लोगों के लिए 6-7 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए होंगे, तो इसे आप घर से करके ट्राई करना, कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आता है इनका। तो चलिए देखिए, पहला सवाल है हमारे को एलसीएम और एचसीएफ, ये गलती से लिख दिया है, एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 120 और 144 का, कौन से मेथड से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो, इसकी हेल्प से हमारे को क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में करते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों का, तो क्या करेंगे हम 120 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 120, तो वो करना है हमारे को, आप रफ वर्क करना है, ये वाला जो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकालते हो ये रफ में करना। 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो कितना बन गया हमारे 2 पावर 3 बन रहे, और साथ में एक 3 है और एक 5 है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 120 का। ऐसे ही 144 का भी कर लेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करके देखें तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 72, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 बन रहा है मल्टीप्लाई 3 पावर 2 बन रहा है। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन हमें तो इन दोनों का क्या निकालना है, HCF और LCM फाइंड करना है, तो इनको तो मैं मिटा देता हूँ, हमारा मेन टारगेट था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो जब कभी भी हमें HCF निकालना हो किसका, 120 या 144 का मान लो, तो हमें HCF के टाइम पे छोटी वाली पावर्स को पिक करना है, 2 पावर 3 और 2 पावर 4 में किसको पिक करेंगे, 2 पावर 3 को, 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में किसको पिक करेंगे, 3 पावर 1 को, और यहाँ पे 5 पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 0 है, तो हमारे को 0 यानी कि कुछ नहीं लेना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 3 तो 8 हो गया, मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 120, 144, तो बड़ी पावर्स को पिक करना है, तो 2 पावर 3 और 2 पावर 4 में किसको पिक करेंगे, 2 पावर 4 को, 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में किसको पिक करेंगे, 3 पावर 2 को, और 5 पावर 1 और 5 पावर नथिंग यानी कि 0, तो इसमें 5 पावर 1 को पिक करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 16 आएगा, और ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 5 से, तो 16 5 जो 80 होता है, मल्टीप्लाई 9,
तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, तो 720 हमारा क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना हो गया 24। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कई बार तीन नंबर्स भी दे देता है, तो जैसे इस केस में हमारे को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, नंबर्स गिवन है 6, 72 and 120, तो वही काम करना है हमारे को, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं दोनों के सॉल्यूशन में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, तो वो तो साफ साफ 2 × 3 हो जाएगा, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन होगा मतलब 72 के लिए हमारे को क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, मैं करके ही बता देता हूँ यहाँ पे, 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 9, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से नहीं होगा 3 से होगा 3 टाइम, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो यहाँ पे बन रहा है 2^3 बन रहा है और 3^2 बन रहा है, तो ये हमने क्या निकाल लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया 72 का। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे किसका, 120 का, तो ये अभी अभी हमने निकाला था 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रहा, तो कितना है 2^3 × 3 × 5, तो हम ऐसे कैसे यूज कर लेते हैं, अगर किसी नए क्वेश्चन के अंदर आए तो आप खुद करके देख लेना। अब हमारे को सबसे पहले एचसीएफ निकालना है किसका, 6, 72, 120 का, तो करेंगे क्या, बड़ी वाली पावर्स को पिक करेंगे या छोटी वाली पावर्स को, आप बताइए कि भाई एचसीएफ निकालने के लिए छोटी वाली पावर्स पिक करते हैं, तो छोटी वाली पावर्स कौन सी, 2^1, 2^3, 2^3, तो 2^1 को उठा लिया, यहाँ पे 3^1 है, 3^2 है, 3^1 है, तो 3^1 को ले लिया, यहाँ पे 5 की कुछ भी पावर नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5^1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 5 पावर कुछ नहीं है, जो कम है उसको हमने उठा लिया, यानी कि हमें लेना ही नहीं है कुछ भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही 6 हमारा क्या आ गया, इनका एचसीएफ आ गया। अब हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 6, 72, 120, तो बड़ी पावर्स को पिक करना है, 2^1, 2^3, 2^3 को, बड़ी कौन सी है, 2^3, ऐसे ही 3^1, 3^2, 3^1 में 3^2 को उठा लिया, 5^0, 5^0, 5^1, तो 5^1 को उठा लिया, तो 2^3 तो कितना हो गया 8, 3^2 9 मल्टीप्लाई 5, 72 × 5, जब करके देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 360 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम आ गया 360 और एचसीएफ आ गया 6। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, सीबीएसई बोर्ड 2014 में आया हुआ सवाल है, तो कुछ बिल्कुल डिफरेंट तरीके का सवाल दे दिया है कि क्या अब यहाँ पे भी वही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, अगर आप लोगों को जो नोट में बीच बीच में लिखवाता हूँ उसके बारे में अगर याद नहीं होगा आप लोगों को, तो आप लोग इस सवाल को जरूर डेफिनेटली छोड़ के आओगे। तो देखो समझो, ए और बी दो कॉम्पोजिट नंबर्स है, अब कॉम्पोजिट नंबर जब भी लिखा हुआ मिल जाए तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर का मीनिंग ये होता है, इस तरीके से है कि जो ए वाला कॉम्पोजिट नंबर है ना, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर तो कितना है 3, यानी कि जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है ए जो कि कॉम्पोजिट नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हमारे पास दो कॉम्पोजिट नंबर गिवन है, एक तो गिवन है ए और एक है बी, अब ए का जो कॉम्पोजिट नंबर है इसके लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट प्राइम फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं, लीस्ट प्राइम फैक्टर वो है 3, मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, जैसे कि प्राइम फैक्टर्स में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, एंड द बी इज 5, और बी का सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5, तो इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है इसका, 5। अब यहां से दो चीजें समझो, अगर ए और बी के लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होते, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, अगर 2 होते इसका मतलब ये ए और बी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे थे, और 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि वो नंबर इवन नंबर है, लेकिन इन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर इवन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होंगे ये नंबर्स, क्या है दोनों के दोनों नंबर्स ओड है। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, भाई अगर इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स अगर हमें बोलता तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7 ये हो सकते हैं। अब उसने पूछा है, बोला है खुद ही कि सबसे छोटा वाला 3 है, इसका मतलब 2 नहीं है, सबसे छोटा 2 हो सकता है वैसे, लेकिन इसका नहीं है,
तो 2 होने का मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इवन नंबर है। लेकिन यहां पे 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है, ओड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है, यानी कि 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से सबसे पहले बार डिवाइड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहां भी वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, इवन नहीं होके क्या है, ओड है। अब ये चीज क्लियर होगी, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेकिन हमें ये पूछा है ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर बताओ। अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि ए एक ओड नंबर है, बी भी एक ओड नंबर है, और ये पता होना चाहिए कि दो ओड नंबर्स को जब एड करते हैं तो क्या बनता है, इवन नंबर बनता है। और अगर कोई नंबर इवन है तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, यानी कि a प्लस बी का जो सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, हमारे को ये बोला है कि दो कॉम्पोजिट नंबर है a और b, a का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो 3 है, मतलब 2 सबसे छोटा, वैसे एक्चुअली सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब 2 से डिवाइड कोई नंबर नहीं होता है तो वो इवन नंबर नहीं होता, यानी कि ओड है, इवन नहीं तो ओड होगा। दूसरी बात करें बी, तो बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5 है, यानी कि बी के अंदर भी प्राइम फैक्टर में 2 नहीं आ रहा, यानी कि ये भी क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये भी ओड है। अब ये आप लोगों ने बचपन में कभी 6th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि दो ओड नंबर्स को कभी भी ऐड करोगे इवन आएगा, कोई भी सोच के देख लो, 11 13 सोचोगे 24 होगा, इवन हो रहा है, ठीक है, 13 17 सोचोगे तो दोनों को ऐड करोगे 30 हो रहा है, तो वो भी इवन है। तो दो ओड नंबर्स का सम इवन होता है, और इवन नंबर हमेशा किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और 2 एक प्राइम नंबर भी है, तो हम बोलेंगे कि इसका सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। 3 भी हो सकता है कि 5 भी हो सकता है कि आगे का कोई और भी नंबर हो, लेकिन सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 2 होगा। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये 2014 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी और लैंग्वेज में देके पूछ सकता है, तो करने का तरीका पता होगा तो आसानी से कर पाओगे। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस में एचसीएफ निकालने, कुछ क्वेश्चन में एलसीएम निकालने, और कुछ क्वेश्चन में दोनों निकालने, तो ये आप ट्राई करना है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो राजस्थान बोर्ड में पूछे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मैंने लिखा नहीं हो, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में पूछे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक कभी आए नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप का कोई एक नंबर में या दो नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर्स और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन नंबर्स, यानी कि मान लिया कि मैंने दो नंबर्स ए और बी ले लिया है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो जैसे मान लो कि 12 और 16 मैंने दो नंबर्स लिए, जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 4। आप प्रॉपर तरीके से निकाल के देख लेना, मैंने जब एचसीएफ पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने पहला एग्जांपल यही लिया था, जब इसका एलसीएम निकाल के देखोगे तो वो आएगा 48। अब देखो अगर आप इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, यानी कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 12 और 16 को, तो 192 आएगा, ये 192 है। और अगर इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 और 48 को, तो भी 192 आ रहा है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों हमेशा इक्वल ही आता है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 16, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो या उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालो, दोनों के दोनों 192 के बराबर आ रहे हैं। तो इसी से हम ये रिजल्ट निकाल के रख सकते हैं कि जैसे मान लो कि ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका कुछ एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मान लो, और एचसीएफ होगा एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इससे सवाल कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो वो इनमें से जैसे दो इधर तो नंबर्स हो गए और एचसीएफ एलसीएम, इनमें से कोई तीन चीज देके चौथी चीज पूछ सकता है। जैसे हमें अगर ए निकालना है तो बी इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके बी का डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर मुझे बी निकालना है तो ए इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एचसीएफ बराबर हो गया ए मल्टीप्लाई बी के डिवाइड में एलसीएम आ गया। और अगर एलसीएम फाइंड करना है
तो मैं क्या करूंगा, एच सी एफ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई बी पहले से था और एच सी एफ इधर डिवाइड में आ गया। तो किस कोई से भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीनों मतलब चारों मेथड के हमारे पास सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई करेगा क्या, कोई भी तीन चीज़ देखे चौथी चीज़ वो पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे चार एग्जांपल्स लिखे हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कुछ चार पांच एग्जांपल्स और पढ़ाऊंगा, इसी के साथ हमारा फिर आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझना क्या बोला है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 6, 5, 7 का जो एचसीएफ है वो 9 है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एक तो तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम निकालने बैठ जाओ, ठीक है, और एलसीएम जो प्रॉपर तरीके से आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे को इस मेथड से एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, हमें पता है वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं, 306 और 657 दे रखा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 306 मल्टीप्लाई 657, और एचसीएफ हमें कितना गिवन है, 9 गिवन है, और एलसीएम हमारे को निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 659 डिवाइड बाय 9। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर कितना आएगा, 22338, ठीक है, मैंने पहले निकाल रखा है, अभी आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, पहले इसको इससे डिवाइड कर लेना और जो भी आंसर आएगा फिर उस हिसाब से आगे इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लेना। अब नेक्स्ट सवाल देखो, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 2, यानी कि एचसीएफ कितना गिवन है मेरे को, 2, और उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 120, यानी कि दो नंबर, पहले तो लेट मान लेते हैं दो नंबर्स कितने, लेट टू नंबर्स बी ए कोमा बी या ए एंड बी, मान लो कि दो नंबर्स क्या है, ए और बी। अब एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी कितना दे रखा है हमारे को, 2, ये दे रखा है 2, और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए मल्टीप्लाई बी 120 दे रखा है, और पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। तो फिर से वही चीज, एच सी एफ मैं यहां सोल्व कर देता हूं इसको, तो एच सी एफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एच सी एफ के डिवाइड में चल, एच सी एफ मतलब डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई कितना होगा, जो कि गिवन है 120, ये रहा, और एच सी एफ कितना है, 2, तो डिवाइड करेंगे तो 60, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 60। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले और सवाल करते हैं, इसी टाइप के सवाल देखो, दो और दे रखे, द एच सी एफ ऑफ 35 and 45 इज 5, यानी कि एच सी एफ दे रखा है हमारे को 35 और 45 का कितना, 5, और एलसीएम कितना दे रखा है, 63 मल्टीप्लाई 8, तो एलसीएम ऑफ 35 and 45 कितना दे रखा है, 63 मल्टीप्लाई ए, और हमारे को ए की वैल्यू पूछी है, तो हमें पता है एच सी एफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मान लो ए और बी मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा। तो एच सी एफ एलसीएम कितना दे रखा है, एच सी एफ तो 5 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 63 मल्टीप्लाई ए, और नंबर्स कितने हैं, 35 और 45। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हमें ए निकालना है, तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ए इधर रह गया और ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो देखो ये 7 टाइम डिवाइड हो गया 5 से, ये 7 से 9 टाइम डिवाइड हो गया, 9 से 5 टाइम डिवाइड हो गया, यानी कि ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 5। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5, तो फिर से एच सी एफ दे रखा है ए और बी का कितना, 5, और उनका एलसीएम कितना दे रखा है, 200, एलसीएम दे रखा है ए और बी का 200, और हमारे को क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी पूछा है, तो हमें पता है कि ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा, एच सी एफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एच सी एफ कितना दे रखा है, 5, और एलसीएम दे रखा है 200, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1000 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारे को ये रिलेशनशिप याद रखना है, ये रिलेशनशिप याद रहेगा तो कोई भी तीन चीज़ गिवन होगी तो हम फोर्थ चीज़ क्या कर, मतलब फोर्थ जो भी अननोन होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं।
ये चार क्वेश्चंस हो रहे हैं जो हमारे आज के लेक्चर के लास्ट चार क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में आप लोगों के लिए 6-7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, मे बी शायद 4 क्वेश्चंस है, 4 या 5 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को होमवर्क के तौर पे घर से करने हैं। तो चलिए एक एक करके करते हैं, पहले इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, द HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13M-3। यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा वो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया है। हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू निकालनी है। CBSE ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो हमारा मेन टारगेट है HCF निकालना। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 144 का और 180 का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे 72 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 3 से करेंगे 3 से करेंगे। आप करके देख लेना इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। 2 पावर 4 मतलब 16 हो गया, 3 पावर 2 मतलब 9 हो गया, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 आ गया। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ गया, फिर 2 से नहीं होगा 3 से होगा तो 15 हो गया, फिर 3 से होगा तो 5 हो जाएगा। तो यानी बोल सकते हैं 2 पावर 2 3 पावर 2 और 5। आप करके देख लेना प्रॉपर तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब हमें इसका HCF से लेना देना है, तो हम HCF निकालेंगे किसका, 144 और 180 का। तो जब भी HCF निकालते हैं तो स्मॉलेस्ट पावर को पिक कर लेते हैं। तो 2 पावर 2 2 पावर 4 में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 पावर 2। 3 पावर 2 और 3 पावर 2 दोनों ही स्मॉलेस्ट है तो दोनों ही बराबर है, तो 2 पावर 2 उठा लिया। यहाँ पे 5 की कुछ भी पावर नहीं है, यहाँ पे 5 पावर 1 है तो हमें कुछ नहीं लेना। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 9 हो गया, यानी कि इनका आंसर कितना हो गया 36। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सोचे हम तो ये जो 36 है HCF है वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, 13M-3 के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं 36 इजिकल होगा 13M-3, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 13M इधर चल ही रहा है तो हम बोल सकते हैं 39 हो गया यहाँ पे, और इधर 13 डिवाइड में आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास M की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया है, देखो आप ये क्वेश्चन करके करना सेकंड बार, मतलब ये करने के बाद में आप इसको ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे LCM को इसके बराबर पुट करना है और M की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ गिवन है जो CBSE ने 2012 में पूछा है। क्या बोला है कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। दो नंबर्स का LCM 1200 है, और विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF। उसने पूछा इन चारों में से कौन सा HCF नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा याद रखना है जो HCF होगा, HCF ऑलवेज विल बी ए फैक्टर ऑफ LCM। मतलब ये जो HCF होगा वो LCM का हमेशा फैक्टर होगा, यानी कि HCF से हम LCM को हमेशा डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है, सॉरी LCM को हम HCF से हमेशा डिवाइड कर पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे 600 से हम 1200 को डिवाइड कर सकते हैं LCM को, यानी कि ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। 400 से भी कर सकते हैं, 1200 डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये जो 400 है ये भी इसका एक फैक्टर है, 200 भी 1200 का एक फैक्टर होता है, लेकिन 500 क्या होगा, 1200 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो बस ये अगर लाइन याद रखोगे तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब जैसे यहाँ देखो, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज HCF एंड 380 एज LCM। तो उसने पूछा है कि क्या किसी भी दो नंबर्स का, कोई भी दो नंबर गिवन है उनका 18 और 380 HCF और LCM हो सकता है क्या। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर 18 जो कि HCF है वो इस 380 का फैक्टर है, यानी कि 380 में 18 से डिवाइड हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। तो 380 में ऐसे आई थिंक 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो रीजन क्या है, ऑलवेज विल बी ए फैक्टर ऑफ LCM, यानी कि HCF जो होता है वो LCM का हमेशा फैक्टर होगा ही होगा। कोई भी दो नंबर ऐसे बोल दूं मैं रेंडमली कि एक नंबर 12 है, HCF मैंने बोल दिया 12
और LCM मैंने बोल दिया 30, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा कभी किसी क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है, और ये इसका HCF LCM का फैक्टर नहीं होने की वजह से ऐसा कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर गिवन मिल जाए तो समझ जाओ कि उस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। ठीक है, आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम करते हैं ये दोनों क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या बोला था। HCF ऑफ 65 एंड 117 यानी कि 117 और 65 का HCF जो है उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, 65M माइनस 117, और हमारे को M की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो हम लोग HCF निकालते हैं, तो क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 65, तो 65 आई थिंक 5 से डिवाइड होता है 13 टाइम, और किसी से नहीं होगा। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ किसका, 117 का, तो ये देखो ये आई थिंक 13 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा ये 3 और 39 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर से 3 से होगा, फिर से 13 से होगा, तो ये कितना बन गया 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 13। अब हमें दोनों का HCF निकालना है, HCF गिवन है, तो HCF ऑफ 65, 117 जो कि कितना होगा, छोटी वाली पावर्स को पिक करना है, यहाँ पे 3 पावर, ये देखो 3 की कुछ भी पावर नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो हमें कुछ नहीं लेना, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 पावर है ही नहीं तो ये भी नहीं लेना, तो हमें 13, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो 13 हमने ले लिया, तो दोनों का HCF कितना हो गया 13 हो गया। अब ये किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सोचेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि 65M माइनस 117 किसके बराबर होना चाहिए, 13 के बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में यही तो बोल रहे हैं कि जो HCF हमारा आएगा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो हमने जो HCF निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्मॉलेस्ट पावर को पिक करके वो 13 आया है, वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये 117 इधर आके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो चुका है 13 प्लस 117 विच इज इक्वल टू 130, और ये 65 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 65 से, तो हम बोल देंगे कि M की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें एक चीज़ और पूछी है इसके अंदर, ये आप खुद सोल्व करना, 65 और 117 का LCM भी पूछा है, तो LCM तो आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्या करना है प्राइम फैक्टर, अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ तो मेरे पास LCM मतलब फैक्टराइजेशन तो करे हुए हैं, मैं डायरेक्ट निकाल ही देता हूँ, देखो LCM निकालना है 65 और 117 का, तो हमें बड़ी वाली पावर्स को पिक करना है, तो बड़ी वाली पावर्स देखो यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ पे 3 पावर कुछ भी नहीं है तो 3 पावर 2 को पिक कर लिया, यहाँ पे 5 पावर 1 है, यहाँ पे 5 पावर कुछ भी नहीं है तो 5 पावर 1 को ले लिया, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है तो दोनों में बड़ी 13 ही है तो इसको ले लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 ये हो गया 3 पावर 2, 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 13, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई, 13 5 जा 65 केरी आ गया 6, और ये हो गया 585, इन दोनों का क्या निकल के आ गया, LCM निकल के आ गया। आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और सवाल करते हैं हम लोग और इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स दियर HCF, यानी कि LCM जो है वो HCF का 14 टाइम्स है, तो मान लेते हैं लेट HCF बी एक्स, मान लो कि HCF कितना है एक्स, देन LCM कितना हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ HCF, यानी कि 14 मल्टीप्लाई एक्स, आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सम ऑफ LCM एंड HCF इज 60, और सम ऑफ सॉरी 60 नहीं 600, सम ऑफ LCM एंड HCF वो कितना दे रखा है 600, तो HCF तो हमने एक्स माना है और LCM है 14x, दोनों का सम कितना दे रखा है 600, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 15x, बराबर कितना हो जाएगा 600, तो हमारे को x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 600 डिवाइड बाई 15, ये इससे 4 टाइम कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40, यानी हमारे पास HCF कितना निकल के आ चुका है 40, और LCM इसका 14 टाइम्स है तो 40 मल्टीप्लाई 14 टाइम तो 560 क्या हो गया इसका LCM आ गया। फिर आगे क्या पूछा है, अगर एक नंबर 80 है तो अगर हम मान लें कि जो नंबर्स है वो ए कितना है 80 है तो हमारे को दूसरा नंबर बी पता करना है। अब हमें देखो तीनों तीन चीज़ें पता चल चुकी है, LCM पता चल चुका है, HCF पता चल चुका है और ए पता है, बी निकालना है, तो हमें पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा
एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ए हमें पता है 80 मल्टीप्लाई बी बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना है 560 मल्टीप्लाई बी कितना है मतलब एचसीएफ कितना है हमारा 40, हमें तो बी निकालना है, तो 560 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय ये 80 इधर डिवाइड में आ जाएगा। देखो 40 से 80 टू टाइम डिवाइड हो गया, 2 से ये कितना टाइम डिवाइड हो गया 280, यानी कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 280। तो इसमें ऑप्शंस गिवन नहीं है, हाँ गिवन है सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एलसीएम एचसीएफ के ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन को समझेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के नंबर्स जैसे कि को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले पहला लेक्चर देखना, उसके बाद में सेकेंड लेक्चर देखना, तभी जाके आप लोगों को सेकेंड वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा आएगा। और इसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा कि वीकली 3 से 4 वीडियोज आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँ और इसके बाद में मैं जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा चारों पाँचों लेक्चर्स को जितने भी लेक्चर्स बनते हैं उनको मैं कंबाइन करके एक वन शॉट वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा। इसके साथ ही हम जब लास्ट में हमारे एक मंथ रह जाएगा एग्जाम का उस टाइम पर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर एक से डेढ़ घंटे के अंदर जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन सकते हैं मतलब आए हुए हैं और जितने आगे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। साथ में हम कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे उसी के अंदर, जिससे कि एक घंटे या डेढ़ घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जिससे कि हमारे को ये नहीं लगेगा कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है या पिछले पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए ये हमें नहीं पता है। तो आई होप ये चीज़ सारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बनाना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनके कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि भाई आप लोगों ने सोल्व करने पे आप लोगों के क्या आंसर आए। और अगर कोई डाउट हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो कि भाई ये सवाल समझ में नहीं आया या टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दूसरे लेक्चर के अंदर उस टॉपिक को डिस्कस करके या अलग से लेक्चर बना के उस टॉपिक को डिस्कस करके आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूँ। जय हिंद।